हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 8 सेशंस ऑफ सब्जेक्ट सिविक्स एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। दिस इज योर 4th सेशन। तो बच्चों, हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म और ये आपका 4th सेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो बच्चों, एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या क्या कम्प्लीट कर लिया था। Then we will proceed with our discussion here. तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में, एज इन हाउ आर इंडियन स्टेट इट वर्क्स टू सी दैट जो भी सेक्युलरिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वॉट एवर प्रेस्क्राइब नोशन आर देयर अबाउट द सेक्युलरिज्म, एज इन कि कोई भी एक पर्टिकुलर मेजोरिटी कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई भी स्टेट एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता अपने स्टेट में कि या फिर प्रमोट नहीं कर सकता, या फिर आपस में ही एक रिलीजियस कम्युनिटी में एक अपर कास्ट या लोअर कास्ट के लोग एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते, राइट? तो इन सब चीजों के लिए हमारा इंडियन स्टेट कैसे वर्क करता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो हम लोगों ने 2-3 स्ट्रैटेजीज देखी। हमने पहला स्ट्रैटेजी कौन सा देखा था, दैट वॉज डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, और उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है हमारे या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लेट इट बी द कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट्स, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट ऑफिसेस, कहीं भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था ऑफ दैट ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पर बच्चे तो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, बट इट इज नॉट अलाउड इन एनी गवर्नमेंट स्कूल टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलीजन और एनी फेस्टिवल, राइट? तो ये हमारा जो बेसिक फंडामेंटल राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ राइट है, इस चीज को वायलेट किया जाएगा इफ दे आर प्रमोटिंग ओनली एनी वन रिलीजन। उसके अलावा हमने सेकंड स्ट्रैटेजी देखा था, सेकंड स्ट्रैटेजी वॉज दैट ऑफ द नॉन इंटरवेंशन, राइट? हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर जो रिलीजियस ग्रुप्स है उनके अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजियस बिलीव्स है उनमें गवर्नमेंट वो इंटरफेयर नहीं करता। हमने उसके एग्जाम्पल में देखा था अबाउट परमजीत हु वॉज अ सिख, और वो ड्राइव करते टाइम जो हमने एग्जाम्पल देखा था अबाउट द टू फ्रेंड्स हु आर ड्राइविंग अ बाइक, राइट? आपको याद होगा वो सारी चीजें। तो उस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा था कि फॉर अ सिख इट इज इम्पोर्टेंट टू वेयर अ टर्बन, व्हाई? बिकॉज इट इज सेंट्रल टू देयर रिलीजन, और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम टू वेयर अ हेलमेट, राइट? तो इसी वजह से नॉन इंटरवेंशन का हमने एग्जाम्पल समझा था। अब हमारा जो थर्ड पार्ट था, जो हम थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा था, थर्ड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। तो सेकंड तो हमारा नॉन इंटरवेंशन था, तो थर्ड स्ट्रैटेजी हमारा कौन सा हुआ? दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, कि किस तरीके से एक स्टेट जो है वो इंटरवीन करता है रिलीजियस जो भी हमारे रिलीजन में या फिर जो भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, दैट इज द इन विच वन पर्टिकुलर रिलीजन इज डोमिनेटिंग द अदर माइनॉरिटी रिलीजन, ओके? अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द लोअर कास्ट। तो जैसे अनटचेबिलिटी का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, तो अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे जो स्टेट है वो इंटरवीन करते हैं इन सब प्रॉब्लम्स में, सो दैट दे कैन सी दैट आवर सोसाइटी इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके? तो बच्चों, अनटचेबिलिटी के बारे में आपको पता है, आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में, क्लास 7 में, क्लास 6 में आप लोगों ने कास्ट लैडर पढ़ा है, राइट? तो एक बेसिक तरह का लैडर है जिसमें कि हमारा पूरा कास्ट सिस्टम डिवाइडेड है। सो द फर्स्ट वन इज द अपर कास्ट, देन द मिडिल कास्ट, देन द लोअर कास्ट। तो इसमें ब्राह्मण्स, देन हमारे क्षत्रियाज, उसके बाद दो शूद्राज, जो क्षत्रियाज होते हैं उसके बाद शूद्राज होते हैं, राइट? तो इस तरीके से जो सबसे एंड में हमारे लैडर में आते हैं वो है अनटचेबल्स, राइट? वी कॉल देम द दलित्स। तो हम लोगों ने दलित्स के बारे में देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, क्लास 7 के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि किस तरीके से दलित को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हमारी सोसाइटी में। पुराने टाइम पे कितनी ज्यादा ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटी में की जाती थी, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जहाँ पे जो अनटचेबल्स थे उनको अपने साथ बैठाते नहीं थे ब्राह्मण, उनको घर में भी नहीं घुसने देते थे, दे वर इवन नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, और इवन लेट्स से दे वर नॉट अलाउड टू ड्रिंक द वॉटर दैट अपर कास्ट वर ड्रिंकिंग। तो ऐसे बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं अनटचेबल्स या फिर दलित्स बोलो उनके ऊपर हमारी सोसाइटी में। सो अब ये हमारा एक सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्युलरिज्म दैट हियर अ मेजोरिटी, द रिलीजन दैट इज इन मेजोरिटी इज डोमिनेटिंग ओवर द रिलीजन
ओवर द कास्ट दैट इज इन माइनॉरिटी, राइट। ये जो हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है, एक तरह से हमारी सेक्युलरिज्म में आता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर भी एक ग्रुप अगर दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेशन करता है, सो दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म, राइट। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैंस अनटचेबिलिटी। तो ये एग्जाम्पल है हमारा कि किस तरीके से हमारा गवर्नमेंट, हमारा इंडियन स्टेट जो है वो इंटरवीन करता है इन दीज प्रैक्टिसेस वेयर दे थिंक दैट इट इज नॉट गुड फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी। तो आपको ये भी पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस है, इट हैज बीन यू नो बैंड। अभी आज के डेट में देयर इज द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इट इज नो लॉन्गर प्रैक्टिस्ड। अगर कहीं किया भी जाता है देन दैट इज अ सिन एंड ऑब्वियसली दिस इज अ पनिशेबल क्राइम। सो नाउ आई थ्रू दिस यू कैन सी दैट हाउ द स्टेट इज इंटरवीनिंग। हमने पहले जो एग्जाम्पल देखा था वो नॉन इंटरवेंशन का था। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द फैक्ट कि एक तरफ से मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्टेट है वो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी या स्ट्रेटेजी अपनाता है, लेकिन वही ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट जो है वो एक इंटरवेंशन पॉलिसी भी अपना रहा है। नाउ लेट अस सी व्हाई दे आर इंटरवीनिंग। ओके, सो यू कैन सी हियर दिस इज आर्टिकल 17 दैट टॉक्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, नाउ इट फॉल्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया where every citizens are guaranteed with the fundamental rights. Article 17 deals with abolition of untouchability and it states untouchability is abolished and its practiced in any form is forbidden. Ki untouchability jo hai properly abolished kar diya gaya hamare country mein and its practice is forbidden. It's actually forbidden. No one can do any discrimination towards the untouchable people. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. So obviously now this is a punishable crime. If you see anyone practicing untouchability, you should remind them this untouchability, it has been abolished in our Indian constitution. Now why is state intervening here? Now let's just see that. So the state is intervening in a religion in order to end a social practice that excludes the lower caste. तो ऑब्वियसली दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी। आप लोगों ने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा बच्चों, तो आपको पता है कि अनटचेबिलिटी कितनी बुरी चीज है, राइट। डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनीवन बिकॉज ऑफ देयर कास्ट इज रियली अ सिनफुल थिंग एंड रियली अ बैड थिंग, राइट, एंड इट इज बैड फॉर द होल सोसाइटी। सो ऑब्वियसली स्टेट हैज टू इंटरवेयर समवेयर। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में साफ साफ लिखा है दैट अनटचेबिलिटी इज बैड बट स्टिल पीपल डू प्रैक्टिस इट। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें आती हैं, सो दैट देयर इज अ प्रूफ टू से दैट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके अकॉर्डिंग ही हमारे कंट्री वर्क करता है। जितनी भी फंक्शंस है हमारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है। सो ऑब्वियसली द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन द रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड दिस सोशल प्रैक्टिस एंड दिस सोशल प्रैक्टिस इट एक्सक्लूड्स द लोअर कास्ट। सो ऑब्वियसली दिस इज वन एग्जाम्पल और वन एस्पेक्ट इन विच the Indian state it is working to avoid that domination of the majority group over the minority group. Okay, again similarly to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the states may have to intervene in the religion based personal laws of community. Ab aap yahan par dekho iska kya matlab hai ki abhi humne dekha ki kis tarike se state jo hai intervene kar raha hai religion ke andar to abolish something that is not good for the society. Also, to ensure that the laws relating to equal inheritance rights are respected, ki har ek religion ka inka jo apna inheritance rights hai inko mil raha hai, what has been prescribed to them, inka ye sari rights jo hai inke apne hai unka respect ho raha hai, the state may have to intervene in the religion based personal laws of community. तो हमारे हर एक रिलीजन में आप देखोगे बच्चे कि उनका भी एक पर्सनल लॉ होता है। जैसे हिंदूज के अपने पर्सनल लॉ होते हैं, मुस्लिम के अपने पर्सनल लॉज होते हैं, राइट। तो ये सारे लॉज में कभी कभी हमारे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है टू सी दैट कि इनको जो भी इनके राइट्स हैं जो प्रेस्क्राइब किया गया इनको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके कोई भी राइट्स जो है इन पे कोई हिंड्रेंस ना हो रहा, इन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा। तो इसकी वजह से भी हमारे कंट्री में जितने भी पर्सनल लॉज है, अगर उसमें कुछ किसी भी सिटीजन के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक होता है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेट टू इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ द कम्युनिटीज।
अब बच्चों अगर आप पेपर पढ़ते हो तो यू कैन सी दैट रिसेंटली देयर हैज बीन एग्जांपल ऑफ द ट्रिपल तलाक इन द मुस्लिम कम्युनिटी. नाउ दिस ट्रिपल तलाक इज द पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, लेकिन इसमें स्टेट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ रहा है. नाउ यू शुड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, बट यू शुड इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सेक्युलरिज्म के बारे में, आप अपने कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये सारी चीजें समझो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझो और आप अप्लाई करो वहां पर कि आप जो पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन अगर वहां पर आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो ये जो ट्रिपल तलाक के मैटर है बच्चों, ये भी हमारे मुस्लिम लॉ का अपना पर्सनल लॉ है, ओके. और वुमेन आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस ट्रिपल तलाक, जहां पे उनको लग रहा है कि उनके राइट्स जो है उनको अपने पूरे राइट्स नहीं मिल रहे हैं और इस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. यू शुड फाइंड मोर अबाउट दिस ट्रिपल तलाक, एज एन एंड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. तो इंटरवेंशन जो स्टेट का है ये सपोर्ट के फॉर्म में भी हो सकता है. लेट अस सी दैट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो बहुत सारे ऐसे रिलीजियस कम्युनिटीज है बच्चों जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. लेट इट बी द हिंदू कम्युनिटी और द मुस्लिम कम्युनिटीज और द क्रिश्चियन कम्युनिटीज. नाउ दे कैन यू नो सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड ओन कॉलेजेस फॉर देयर ओन कम्युनिटी, ओके. इट ऑल्सो गिव्स देयर फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस. मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है, हर एक ग्रुप को फाइनेंशियल एड मिलेगा ऑन दिस बेसिस की द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड दिस राइट टू ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ओके. बहुत सारे मदरसाज आप देखोगे, बहुत सारे कॉन्वेंट्स भी आप देखोगे. तो ये सारी जगह जो आप देखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए या फिर ऑब्वियसली फॉर देयर एजुकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, अगर वो उनकी तरफ ज्यादा एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो ये सब अच्छे कॉजेस के लिए ये सारी जगह होती है जहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज दे आर बिल्डिंग देयर सेटिंग अप देयर ओन स्कूल्स और द कॉलेजेस. तो अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने चार तरीके से देखे किस तरीके से हमारे इंडियन स्टेट है जो इंटरवीन करते हैं टू सी दैट द ऑल द थिंग्स दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन सेक्युलरिज्म इज बीइंग फॉलोड. तो पहला हमारा था डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, राइट. सेकेंड हमारा था स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरवेंशन. थर्ड हमारा था स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन. और फोर्थ हमारा था इंटरवेनिंग थ्रू द इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, राइट. तो ये चारों पार्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. आई हैव ऑल्सो गिवन यू सम एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हर एक इंटरवेंशन का क्या रीजन है, वॉट इज द रीजन बिहाइंड द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन पर्टिकुलर रिलीजन रिलीजियस प्रैक्टिसेस और द कम्युनिटीज, राइट. एंड दैट इज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी, ओके. तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. अब तो हम लोगों ने इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेक्युलरिज्म दैट इज प्रैक्टिस्ड इन एनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. सो सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स मेंशनड अबव, जो भी हम लोग बात कर रहे थे अभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, आर सिमिलर टू दोज दैट ऑफ दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस of secular democratic countries in other parts of the world. तो बच्चों जितने भी objectives की बात हो रही थी, जो भी हम लोगों ने अभी Indian secularism में discuss किया है, so these concepts, these objectives are quite similar in some form to the are very similar to those that have been included in the constitution of the other secular democratic countries. कि वहाँ के जो दूसरे democratic countries हैं, let's say USA, let's say एनी यूरोपियन कंट्री या फिर सऊदी अरेबिया या फिर कोई भी कंट्री आप ले लो, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे भी जो सेक्युलरिज्म फॉलो होता है दैट इज समवॉट सिमिलर टू द ऑब्जेक्टिव्स दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय आवर ओन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. वी विल टॉक अबाउट हाउ दिस इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ओके. वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूएसए फर्स्ट, राइट. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है. So in today's class, we talked about Indian secularism. We talked about two more ways in which the Indian state is intervening in order to see that each and everything is being followed. That's all for today. Thank you very much.